सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। प्रॉपर सब्जेक्ट रहने वाला इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत ढूंढ ढांड के यार बहुत ही बढ़िया सा सैंपल पेपर करवाने वाला हूँ। प्रॉपर बताने वाला हूँ क्या क्या आएगा, क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि चांसेस है दोस्त आपको मिलते हैं पेपर में। ठीक है, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एमसीक्यू मिलने वाले हैं दोस्त, आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स से हम दोस्तों, प्रॉपर जो कि प्रॉपर आपका है, जिसमें हम बात करते कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्त। ठीक है, बहुत ही प्यार लोग दे रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हो, ऐसे दोस्त शेयर करते रहें, ऐसे हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। पार्ट वन है जिसमें कि 1 to 14 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वालों में बहुत बढ़िया से। ठीक है, पार्ट टू लेके आऊँगा जिसमें प्रॉपर सारे ख़त्म हो जाएंगे, मे भी आधे घंटे की वीडियो, देखते हैं दोस्त, स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडी, यानी इसमें से कौन सा स्टैटिकल स्टडी के अंदर हम नहीं करते। क्या कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, ज़रूर करते हैं दोस्त, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी किया जाता है और एनालिसिस भी किया जाता है, बट उसको जो वेरीफाई करने का काम है दोस्त वो अपना स्टैटिकल स्टडी के अंदर नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजीली आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको दोस्तों आंसर पता है कमेंट करके ज़रूर बताओ, और चैनल पे नए आए हो तो पता होना चाहिए बीएसटी का दोस्त सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जाके यार चैनल पे देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैटिकल डाटा आर अफेक्टेड बाय डैश कॉजेज या कॉजेज, यानी कौन कौन से कारण है जिससे क्या होता है स्टैटिकल डाटा इफेक्ट होता है, क्या उसका कोई सिंगल रीज़न है, क्या उसके मल्टीपल रीजंस है, आइदर ए और बी और ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए स्टैटिकल डाटा को अफेक्ट करने के मल्टीपल कॉजेज होते हैं, क्या होते हैं मल्टीपल कॉजेज होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड का। डन दोस्त, दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है दोस्त, तो उसको फटाफट से करते हैं। क्या कह रहा है, इन अ विलेज 200 farms आर स्टडी कंडक्ट टू फाइंड क्रॉपिंग पैटर्न, यानी उनके लिए फार्म्स में क्या किया गया, गांव में जो फार्म्स हैं उसमें स्टडी कंडक्ट की गई है क्रॉपिंग के पैटर्न को चेक करने के लिए, किस पैटर्न में हम क्या करते हैं क्रॉप को ग्रो करते हैं। आउट ऑफ 50 farms सर्वड, यानी सर्वे किया गया, 50% ग्रू ओनली वीट, यानी जो 50% लोग हैं क्या को उगाते हैं, वीट उगाते हैं। ठीक है दोस्त, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एंड सैम्पल स्पेस हियर, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है पॉपुलेशन और सैंपल हेयर, तो क्या होगा दोस्त करेक्ट आंसर चेक कर लो। ठीक है, पॉपुलेशन रिफर टू द एग्रीगेट और टोटल आइटम स्टडी फॉर अन इन्वेस्टिगेशन, सो द पॉपुलेशन इज हेयर इज 20 farms, ठीक है 200 sorry। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी उसी का पार्ट होता है, सबसेट का मतलब होता है दोस्तों पार्ट होना किसी का। इन अदर वर्ड स्मॉल सेट सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन फॉर स्टैटिकल स्टडीज रिफर टू द एज अ सैंपल पॉपुलेशन, जैसे जिसकी क्या की जा रही है दोस्त, स्टडी की जा रही है, कितने की स्टडी की गई थी दोस्त, आप चेक कर सकते हो 50 farms की स्टडी की गई थी, दैट इज योर सैंपल स्पेस। तो क्या हो जाएगा दोस्त, सैंपल स्पेस इधर 50 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो दोस्त लिख लेना। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगला आया दोस्त एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्त, जो कि बहुत पूछा जाता है पेपर में, और एक बल नया पैटर्न आ चुका है, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एसर्शन दे रखा है, द विड्थ ऑफ बार शुड बी इक्वल टू इन बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ इन अ टू डायमेंशनल, क्या होते हैं टू डायमेंशन होते। तो सबसे पहली बात, बार ग्राफ दोस्तों टू डायमेंशनल नहीं होते, क्या होते हैं वन डायमेंशनल होते हैं, तो ये गलत चीज़ लिखी है पहली बार। यानी पहला जो होता है बार शुड बी इक्वल टू द बार ग्राफ, ये बात सही है, यानी ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है दोस्त, आपको पहले तो स्टेटमेंट पढ़ने, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो कोई से भी असर्शन रीजनिंग को सॉल्व, पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, चेक करो ट्रू है कि नहीं, और अगला चेक करो ट्रू है कि नहीं, अगर ट्रू है तो क्या वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी होंगे, सिंपल। अगला दोस्त क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी एसर्शन का दे रखा है, एसर्शन दे रखा है, इफ़ टू ओगीव्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट 50 and 70, द मीडियन इज 50, कई बात सही है, सही बात है, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है दैट इज योर मीडियन, द मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी
सही बात है दोस्त, क्या है, सही बात है मेरे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट जो आर है वो उसको ए को डिफाइन नहीं कर रहा है। आर है दोस्त, ए को डिफाइन नहीं कर रहा, तो अ रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है दोस्त। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक मिस्टेक आपका क्वेश्चन के मार्क्स ले डूबेगा, तो हमें नहीं डुबाने अपने मार्क्स को, ठीक है। अगला सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है डिटरमाइन द मोड। तो अगर आपको पता है मोड यार क्या होता है, वो टर्म होती है जो कि बार बार रिपीट होती है, चेक करो, एट एक बार, दो बार, तीन बार दोस्त, और चौथी बार। इट मीन्स दिस इज योर मोड, यानी मोड हो जाएगा ये सिंपल। मोड वही होती है फ्रीक्वेंसी जो कि बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी, यानी जो लिस्ट बनाई जाती है क्वेश्चंस पूछने के लिए, इसमें से कौन सा मेरिट है। डिफिकल्ट होना क्या मेरिट हो सकता, नहीं, नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर नहीं हो सकता, इनवैलिड क्वेश्चन नहीं, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कोई भी पर्सन कम क्वेश्चंस के आंसर देना पसंद करता है, ज़्यादा उससे आप डीपली पूछते हो तो वो यार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और उसका सिंपल सा रीज़न होगा क्यों दू करूँ मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो देने से डरेगा डाटा को अपने प्रेजेंट जो भी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना। सेवन्थ हो गया हमारा डन, एट्थ में बढ़ते हैं। असर्शन दे रखा है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल दैट हैव फैसिलिटेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंक्लूजन ड्राइव यूजिंग स्टैटिकल प्रिसाइसली इट इज नॉट नेसेसरी दैट क्रिमिस्टेंसियन कंडीशन अंडर विच कंक्लूजन हैव बीन ड्रॉन ऑल्सो स्टडी, सही बात। दोनों दोस्त क्या हैं, सही है क्या, जो रीज़न है दोस्तों वो गलत है और assertion आपका ट्रू है, तो assertion इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स, ठीक है। और बाकी एक बार वेरीफाई भी ज़रूर करें अपने आप लोग, ठीक है, वेरीफाई भी करें। अगर किसी को लगता है गलत बता रहा हूँ तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, हम ज़रूर चेक करेंगे आपको अगर सही लग रहा है, या आपका कुछ और व्यू है इस पॉइंट पर तो आप ज़रूर हमें दे सकते हो, ठीक है दोस्त। हमारी ही हेल्प होगी, बच्चों की भी हेल्प हो, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, के लिए कौन सा दूसरा डायग्राम हेल्प के लिए बनाया जाता है दोस्त। अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं भाई। फ्रिक्वेंसी क्या होता है दोस्त, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, क्या होता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, इसके साथ बनाया जाता है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये आपका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ, जो कि दोस्त प्रॉपर एसर्शन है। सैम्पलिंग एरर अकर व्हेन वन मेक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सैंपल टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर बाय टेकिंग स्मॉल सैंपल्स। इसका दोस्त आंसर का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के ऊपर है, जो कि आपको मेरे को ए बी सी करके कमेंट करना है, ठीक है। तो चेक करते कितने लोग सही आंसर देते, ठीक है, इनमें से ही डी ए बी सी डी में से कुछ आंसर होगा, तो कमेंट करें, जो भी ज़्यादा करेक्ट आंसर होंगे वो करेक्ट आंसर माने जाएंगे, यानी अगर ए किसी ने बोला तो ए आंसर होगा, बी बोला तो बी, ठीक है। लेकिन करके पढ़ के बोलना, ये नहीं कि आप दूसरे वाले का कमेंट कर दो जस्ट फॉर कि हाँ भाई हमने भी कमेंट करा, ठीक है दोस्त। अगला इलेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थियोरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है, दोनों देखते हैं। इन्वेलेशन शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्योंकि आप अदर रिसोर्सेज से कलेक्ट करते हो, तो क्यों आपको वो रहना चाहिए केयरफुली, वो रीजन डिस्कस करता हूँ। क्या कह रहा है, वेट ऑफ द स्टूडेंट इज गिवन किलोग्राम यूजिंग द क्लास इंटरवल 5, मेगा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है प्रॉपर, तो भाई बता देते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो दोस्त, बताएं। चलिए अपने वाइट बोर्ड की तरफ पढ़ते हैं दोस्त, तो देखना इसका सबसे पहले आंसर 11 के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेटर शुड कीप इन माइंड वेदर द सेकेंडरी डाटा इज रिजनेबल कंसिस्टेंस कंपेरेबल, द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा मस्ट बी टेस्ट चेकिंग सी दैट द टोटल रेट्स हैव बीन करेक्टेड कैलकुलेटेड, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, और क्योंकि वो दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया तो आपका पर्पस में भी डिफरेंट हो सकता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर इसका मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर हम सॉल्व करें, तो एक टेबल बना रखी है, आप देख रहे होगे उसी डाटा की मैंने टेबल प्रॉपर कॉपी पेस्ट कर रखी है, 40 45 जो भी था मैंने यहाँ पर
मेरे को दिख रहा है कि ये जो पूरा डाटा है 40 से 45, 45 से 50 इनके बीच में आता है, 40 से 70 के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं 40 से 45 में कौन कौन से नंबर आते हैं। अलग अलग कलर लेंगे, पहले मैं येलो कलर से लेता हूँ 40 से 45। 40 आएगा दोस्त, 62 नहीं, 50 नहीं, 45 आएगा, ठीक है, और कुछ 42 आएगा, ठीक है, 46 आएगा, 46 नहीं आएगा, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर लास्ट में गिनेंगे, 46 आ गया, 45 भी आएगा, ठीक है, 44 आएगा दोस्त, 46 नहीं, 41 आएगा, 44 आएगा, 43 आएगा, 43 आएगा। काउंट कर लेते हैं दोस्त फटाफट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना आ जाएगा दोस्त, 9 आ जाएगा, यहाँ लिख दोगे 9, सिंपल, कोई दिक्कत, 9 लिख दो रंग से भाई, ठीक है। अगला कलर से उठाते हैं भाई, रेड कलर से उठाते हैं, ठीक है। अब आज 45 से 50, ठीक है, 45 से 50, तो ध्यान से देखना, क्या 50 लोगे, हाँ जी लेंगे, 63 51 ना, 63 ना, 66 52 ना, 65 नहीं, 46 ले सकते हो, 48 भी लोगे दोस्त, 52 60, 46 भी लोगे, 45 55 ले लेते हैं, 66 55 ले लेते हैं, 56 नहीं लेंगे, 54 भी नहीं लेंगे, 51 भी ले सकते हैं दोस्त, हम नहीं लेंगे, सॉरी 51 नहीं लेंगे। अगला 63 ना, 48 ले सकते हो क्या, ले सकते हैं जरूर, 52 ले सकते हो, 52 नहीं ले सकते, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या आ जाएगा दोस्त, 7 आ जाएगा। अगला लेता हूँ मैं भाई पर्पल कलर से, पिंक कलर से, अब 50 से 55, 50 से 55, ठीक है, यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक कर दी हमने, 55 गलत ले लिया, 2 कम कर देते हैं दोस्त, 2 कम करो सर, 55 तो है ही नहीं सकता, ठीक है, 5 5। अगला 50 से 55, इसमें देखना ब्लू कलर से, 50 से 55, 62 आ सकता है नहीं, 60 आ सकता है 50 से 55 नहीं, 63 नहीं, 51 आ सकता है, आ सकता है, 63 नहीं, 52 आ सकता है, 53 आ सकता है, 56 नहीं आ सकता, 52 आ सकता है अगेन, ठीक है, 55 भी आ सकता है, और 55 भी आ सकता है, अब 56 नहीं आ सकता, 54 आ सकता, 51 भी आ सकता, 56 नहीं आ सकता, 52 आ सकता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ आ गया दोस्त 9, इस टाइप से छांटना है आपको। अगला ध्यान से देखना, ग्रीन कलर से ले रहा हूँ मैं, 55 से 60, ठीक है, 63 नहीं, अगला 63 नहीं, 50 से 55 है ना, 52 आ सकता है, ठीक है, अगेन हमने मिस्टेक कर दी, देखो 52 नहीं ले सकते थे हम, 54 भी नहीं, 52 ले सकते थे, ठीक करा है दोस्त हमने। अगला चेक करते हैं, 50 से 55 यानी 51 से 52, 50 से 60 है ना दोस्त, यानी 56 आ सकता है इसमें, 56 सर्कल कर देता हूँ, और क्या है, एक ही आई थिंक, क्या है, एक ही, और एक 56 ही रहा, 2, ठीक है। इस टाइप से दोस्त आपको ये प्रॉपर कंप्लीट करनी है, सिंपल है, इस टाइप से आप प्रॉपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेना आगे दोस्त, इस टाइप से आप कर सकते हो, पेपर में है तो बहुत बढ़िया से करके आना, अच्छे से टेबल बना के। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि 12th क्वेश्चन है दोस्त, और ध्यान से देखते हो, यहाँ पर आपको बनाना है दोस्त, बहुत ध्यान से, कंस्ट्रक्ट अ मल्टीपल बार डायग्राम बाय यूजिंग दिस डाटा, यानी आपको यहाँ बनाना है मल्टीपल डायग्राम, इंडस्ट्रीज दे रखी हैं, दिस प्रॉपर, इसका प्रॉपर आपको क्या बनाना है, डाटा, तो इसको मैं सबसे पहले इसका ये पार्ट ले लेता हूँ, मैं डाटा ज़रूरी है हमें बनाने के लिए, ठीक है दोस्त, तो ये डाटा मैंने कर लिया कॉपी, बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, तो ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है डायग्राम टाइप, ठीक है, पहले तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा डाटा आ गया, तो बनाते हैं फटाफट से, ठीक है, इस डाटा को देख के हमें क्या बनाना है फटाफट से, मैं आपको 2 बना के दिखा देता हूँ, 2 आप लोग मेरे को बना लेंगे अपने आप से, ठीक है दोस्त, तो ये हमारा डाटा आ गया, अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक प्रॉपर अच्छे से लकीर खींच लेते हैं दोस्त,
तो ये ले आते हैं शेप्स, ये आगे हमारी लाइन से स्ट्रेट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो तो यहाँ डाटा हम ले सकता हैं, कहाँ से ले सकते हैं, प्रॉपर पाँच के अंदर सारे आ जाएंगे। तो यहाँ मैं पाँच का टेबल ले रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक ले लेता हूँ। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्त, बहुत मुश्किल से लिखा जाता है माउस से क्योंकि ठीक है, बट फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे डोंट वरी। 2016 का डाटा उठाते, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है 15, तो इसको कलर चेंज करते दोस्त, यानी 15 पे ऐसे कुछ हमारा ये टेबल ऐसे आ जाएगा, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है 2016 का ठीक है। फिर आईटी कितना था, 42 था हमारा, तो आईटी दो समथिंग आएगा यहाँ, यहाँ पर मैं पॉइंट खींच के ऐसे डाल देता हूँ और ये लाइन आ जाएगी। स्केल से बनाओगे तो आप अच्छे से बन जाएगा, ये आईटी आ गया। ऑटोमोबाइल था हमारा 32, यानी यहाँ समथिंग यहाँ से आएगा। इतना करने के बाद यहाँ लिख दोगे 2016 का कंप्लीट। अगला बना के दिखाते हो दोस्त आपको, अगला कह रहा है 2017 में इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा 18 समथिंग यहाँ से जाएगा। थोड़ा सा स्पेस देके मैं बना रहा हूँ अलग से दिखाने के लिए। अगला उसके बाद आईटी था 40, तो 40 आएगा यहाँ समथिंग, यहाँ पर डॉट उसको ऐसे उनको पतला पतला रखना, ज़्यादा बड़े नहीं। फिर आएगा ऑटोमोबाइल था हमारा 30 का प्रोडक्शन था, तो बहुत बढ़िया, यहाँ से 30 और यहाँ लिख दो 2017। ऐसे सिंपल सा आपको कंप्लीट कर देना और आपके प्रॉपर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी मार्क्स कटने वाले नहीं। क्लियर है दोस्त, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर। अगला क्वेश्चन है मीन निकालना, जैसे फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैलकुलेशन का पार्ट दोबारा से आ चुका है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर उठा ऑलरेडी ले रखा है क्वेश्चन, तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं मीन को कैलकुलेट करना ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला यूज होने वाला है तो वो लिखता हूँ पहले, तो मैं ध्यान से देखिए ठीक है। जो मीन निकलेगा उसके लिए लगेगा, जो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे, एक्स इक्वल्स टू में सिग्मा डब्ल्यू सॉरी एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो यहाँ ऊपर वाला x होता है, नीचे वाला f होता है, तो x लिख रहा हूँ पूरा और यहाँ f लिख रहा हूँ। यहाँ से एक लाइन आ जाएगी दोस्त, 6, 8, 9, 10, 11, 8, 3 और 1 ठीक है। बगल में 5, 6, 15, 10, 5, 4, 15 और 2 फटाफट से दोस्त कैलकुलेशन करते तेजी पर। एफ एक्स प्रॉपर ले लिया ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना, जहाँ लगे गलत है तो बताना जरूर। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बहुत सही, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 9 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 × 45 = 5 हाजिर 4 ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13 135, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 11 को 5 से 55, 8 को 4 से 32, 3 को 45 आ जाएगा और लास्ट में दोस्त 2 ठीक है। तो इसको फटाफट से करते हैं प्लस ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं इन दोनों को एक्स जोड़ रहा हूँ तो ये 78 हो जाएगा ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ 235, ब्रेक करके जोड़ रहा हूँ, इन तीनों चारों को जोड़ रहा हूँ ठीक है, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13 ठीक है, 8, 5, 13, 14, 15, 16, 17 का 7 हासिल 1, 7 3 ठीक है, 7 × 14 का 4 हासिल 1 दोस्त, 1 2 1 यानी 4 4 7 आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 4 4 7 अपॉन में प्लस कर लो यार इसको, 6 5 11 ठीक है, अलग कर देता हूँ 11, 10 5 और 10 30, 30 हो गया 30 40 45 ठीक है, और 4 और 2 6
ठीक है, 4 और 5 11 12 का 2 हाजिर लेख 62, इसको क्या कर दो दोस्त, डिवाइड कर दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी था, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इस टाइप का आएगा तो ऐसे करना, आपको मीन को ध्यान रखना, मीन मोड पक्का ज़रूर पूछना है पेपर में, कोई सा भी पेपर आए आपका, जैसे कोई सा भी। अगला दोस्त क्या बनाना है, प्रेजेंट द डाटा इन टेबल, यानी हिस्टोग्राम बनाना है आपको इस डाटा का, और 4 मार्क्स यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, फ्री के दे रहा है आपको, बना देते हैं दोस्त फटाफट से, देखते हैं तो फटाफट से यार ये डाटा ज़रूर ले लेते हैं, इसके बिना तो कहानी होनी है ही नहीं। ठीक है, इसके बिना तो भाई ग्राफ बनता ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा डाटा आ गया, और फटाफट से बना लेते हैं क्या प्रॉपर भाई अपना डायग्राम। ठीक है, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन यहाँ से, ठीक है भाई, चल तो यहाँ लिखता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है दोस्त, 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है, और 90। अगला है फ्रीक्वेंसी, तो अगर देखोगे तो ये 4 4, मतलब हम स्टार्ट कर देते हैं, अगर मैं 3 से ले लूँ, 4 के टेबल में भी वैसे आ रहे हैं सारे के सारे, तो 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 12। राइटिंग के लिए दोस्त माफ़ी चाहता हूँ, अगेन 20 24 और ये 28। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं 0 से 10 में क्या हो रहेगा, 4, तो ये दोस्त 4 रह गया, ये लो। फिर कह रहे हैं 10 से 20 में 10, तो 10 तो होगा समथिंग यहाँ, तो ऐसे लाइन, ये ऐसे, ये जुड़े रहते हैं साथ में। 16 आएगा 20 से 30 में, 16, तो यहाँ एग्जैक्ट 20 से 30 में 16। ठीक है, फिर 30 से 40 में है 22, तो 20 21 22 यहाँ पर आएगा समथिंग पॉइंट्स में, ये रहा। फिर ऐसे दोस्त 40 से 50 में 26 26 आएगा समथिंग यहाँ, थोड़ा सा टॉप ले जाओ, और ये आपका 40 से 50। 50 से 60 में 18 बोल रहा है, 18 यहीं से जाएगा। 70 में 8 हो जाएगा, 8 एग्जैक्ट दे रखा है, और फिर लास्ट में 2, तो उसका नीचे हाफ हो जाएगा, ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, कंप्लीट हो गया दोस्ती आपके 14 क्वेश्चन जो कि मेरे को इस पार्ट में बताने थे। नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं 15 16 17 सारे के सारे करवाऊंगा भाई, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा आपके पेपर से पहले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्त। ठीक है, बाय बाय।